ओके, तो अभी हम देखेंगे सीएसएस का पोजीशन प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, ठीक है। तो ओपन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस पहले बना लेता हूँ जिनको हम पोजीशन देंगे, ठीक है। तो पहले मैं ड्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज एक ड्यू है, ओके, जो मेरा है सपोज कंटेनर, तो इसको क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास डॉट कंटेनर, ठीक है। इस ड्यू के अंदर हम लेंगे, और ड्यू लेंगे इसके अंदर चार ड्यू। तो यहाँ पे ड्यू लिया है मैंने, जिसको मैं ड्यू को क्लोज कर लेता हूँ। और इस ड्यू में मैं सपोज लिख देता हूँ कुछ, दिस इज ड्यू वन, ओके। और यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू बॉक्स, ओके, बॉक्स लगा दिया। तो ऐसे में चार ड्यू बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड, थर्ड, और ये मेरा फोर्थ, ठीक है। सेव किया मैंने उसको, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर और हाइट हम दे देंगे, ठीक है। हाइट जैसे कि मैं इसको पहले तो देता, तो बैकग्राउंड कलर में इसको देता, ठीक है। डॉट कंटेनर, ओके। इस क्लास में मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ उसको, बैकग्राउंड कलर, ओके, सपोज TGD, ओके, लाइट ग्रे कलर, ठीक है। कुछ गलत स्पेलिंग में मिस्टेक है क्या, कुछ ब्लैक से? सर कंटेनर वहां पर डॉट लिया है सर, यहाँ ड्यू क्लास, में। ओके 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 ओके, हाँ वो क्लास को डॉट लगाने क्या था, ठीक है। हाँ, तो देखो इसका बैकग्राउंड जो है, ओके, हमने इसको लाइट ग्रे कलर हमने इसको अप्लाई कर दिया, ओके। देन ये बॉक्स जो है, हम इन चारों ड्यू को बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। अभी हम इसको चारों को क्या कर लेते हैं, बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डॉट बॉक्स, ओके, देन यहाँ पे हम इसको बॉक्स में कर लेते हैं। तो इसका जो, इसको पहले बैकग्राउंड में दे देता हूँ, ओके। बैकग्राउंड की जगह बॉर्डर हम ले लेंगे पहले, बॉर्डर, ओके, कैसी हो, तो 2 पिक्सल का इसका विड्थ रहे, जो भी थिकनेस है वो 2 पिक्सल का हो, सॉलिड इसकी, ओके, बॉर्डर जो है सॉलिड हो, और कलर उसका रेड हो। सेव, देखो दिख रहा है, हमने क्या कर लिया, हर एक को बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अभी इसका विड्थ और हाइट हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो विड्थ, विड्थ कॉलम सपोज मैं दे देता हूँ 250 पिक्सल, और हाइट में दे देता हूँ हाइट 250 पिक्सल से, ठीक है। देखो यहाँ पे चार ड्यू जो है मेरे बॉक्स बन चुके हैं, ठीक है। अभी इनको मैं कर देता हूँ, मार्जिन भी इनके बीच में थोड़ा सा दे देता हूँ, आउट मार्जिन आउटसाइड के लिए 2 पिक्सल बहुत हो जाएगा, ठीक है, इनफ है उतना, देखो 2 पिक्सल। और इनको अभी हमें एक लाइन में लाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लोर डिस्प्ले, लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हो, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक भी आप ले सकते हो, ब्लॉक, इससे देखो एक लाइन में ये चारों के चारों हमारे आ गए, ठीक है। तो अभी इसको एक आईडी देता हूँ, थर्ड को आईडी इज इक्वल टू बॉक्स 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आईडी लिया बॉक्स 3, तो कॉपी, यहाँ पे हैश और बॉक्स का नाम, ठीक है।
अभी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पोजिशंस। ओके, अभी हम देखने वाले हैं सीएसएस पोजिशन। तो चार तरीके के पोजिशंस है। पहली तो है स्टैटिक है, देन रिलेटिव, एब्सोल्यूट है और फिक्स्ड है। ओके, तो चारों को हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहले तो मैं दे देता हूँ पोजिशन, ओके, जिसमें स्टैटिक में दे देता हूँ, ठीक है, पोजिशन स्टैटिक, जिसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो कुछ दिख रहा है? नहीं नहीं सर, दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी चेंज आपको नहीं दिख रहा है। तो ये आपका पहला था कि यहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो स्टैटिक। ओके, देन दूसरा हम यहाँ पे देते हैं अभी नेक्स्ट जो है हमारा रिलेटिव। ओके, स्टैटिक क्या करता है सही में, उसको यूज क्यों करता है? जैसे हमारा नन था पोजीशन में, नन की जगह यहाँ पे स्टैटिक है। ओके, एज इट इज जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, कुछ चेंजेस वहाँ पे नहीं होगा। अभी रिलेवेंट जब मैं दूंगा तो उसकी जगह से ओके थोड़ा हिल जाएगा। तो ओके रिलेटिव मीन्स क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन से वो थोड़ा सा गैप एडजस्ट करेगा। ओके, जो उसके जो पैरेंट कंटेनर है, मीन्स पैरेंट जो ड्यू है उसका, ये जो ड्यू है। ओके, अभी देखो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, हिल जाएगा, उसकी जगह से थोड़ा सा मूव हो जाएगा। रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? रिलेटिव पोजीशन, सर ये, बट ये कौन से ड्यू में हमने सर आईडी अप्लाई किया? इसको थर्ड को दिया है मैंने, थर्ड ड्यू को दिया है, तो ये थोड़ा हिलना चाहिए था। एक मिनट में उसको दूसरा दे के देखता हूँ, एब्सोल्यूट दे के देखता हूँ यहाँ पे। ओके, देखो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये वर्क तो कर रहा है बट रिलेटिव तो नहीं वर्क कर रहा। ये थोड़ा ना इसके जो पोजीशन है वहां से वो थोड़ा सा हट जाता है, यानी ये इतना, एक मिनट, ओके, ये थोड़ा बहुत ऐसा नीचे आ जाता है ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा उसके पोजीशन से हिल जाता है। ठीक है, रिलेटिव में तो ये अभी हिल नहीं रहा है, तो स्पेलिंग गलत है क्या मेरा? ओके, ठीक है। ओके, तो रिलेटिव में है। ओके, तो ये इसको, इसका क्या इशू है वो हम बाद में देखते हैं। ओके, देन फोर्थ जो है आपका है यहाँ पे, एब्सोल्यूट हमने दिया था यहाँ पे। ओके, थर्ड जो है हमारा एब्सोल्यूट। ओके, अगर मैं इसको देता हूँ, ओके, तो ये क्या करता है, ओवरलैप हो रहा है, देखो एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो रहा है। ओके, रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ इट्स पैरेंट। ओके, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा जो लेफ्ट एंड टॉप है वो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर देते हैं, लेफ्ट 50 पिक्सल, और टॉप से भी हम 50 पिक्सल्स को मूव कर देते हैं।
तो देखो उसके पेरेंट का, ओके, जैसे मैंने बोला कि रिलेटिव टू पेरेंट, ओके, देखो तो उसके पेरेंट के जो ड्यू है, यानी जो ग्रे कलर का ड्यू हमने लिया है, तो उससे उसने क्या छोड़ा है, 50-50 पिक्सल छोड़ा है उसने, दिख रहा है क्या, जब मैं यहाँ पे लेफ्ट 50 पिक्सल्स दे रहा हूँ और टॉप से 50 पिक्सल छोड़ रहा हूँ ऊपर से और लेफ्ट साइड से, तो आपको दिख रहा है क्या वो कहाँ पे चला गया, वो ड्यू ड्यू नंबर थ्री, ओके, यस सर। तो वो उसके पेरेंट के रिलेटिव वो मूव हो गया, ओके, और जो एब्सोल्यूट था तो, और जो रिलेटिव है, ओके, वो फिक्स्ड है, ओके, इलेवन स्टैटिक, हाँ नॉर्मल पोजीशंस, ठीक है, तो वो उसके नॉर्मल पोजीशंस को ही रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है, देन एब्सोल्यूट में हमने देखा कि वो मूव हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे कुछ पिक्सल्स लगाते हैं तो, ओके, और यहीं पे अगर मैं रिलेटिव दे दूँ तो क्या होता है, देखते हैं, कॉपी पेस्ट सेव, देखो क्या हो रहा है, उसका जो नॉर्मल पोजीशंस था उसी से वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ओके, रिलेटिव में भी वो क्या हो रहा है, उसके नॉर्मल पोजीशन से वो हट रहा है, और एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके पेरेंट का जो पोजीशन है, उसका पेरेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि ये ग्रे कलर है, ग्रे कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे ट्यूब वन से, तो वहां से वो एडजस्ट कर रहा है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि आपको यहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट का, हेलो, यस सर। ओके, ये उसके नॉर्मल पोजीशन पे ही रहता है, ओके, बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, हाइट और विथ, मीन्स आपको लेफ्ट टॉप बॉटम राइट के किस साइड से आपको उसको एडजस्ट करना है, आप कर सकते हो, ओके, खाली ये कहाँ से होता है, उसके नॉर्मल पोजीशन से हिलता है, और ये क्या है, उसके पैरेंट की पोजीशन के हिसाब से ये हिलता है, मूव होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा थर्ड जो पोजीशन है, सॉरी फोर्थ जो पोजीशन है वो है फिक्स्ड, ओके, फिक्स्ड, तो ये मोस्टली आपने बहुत जगह देखा होगा कि यहाँ पे आपको बॉटम राइट साइड में आपको चार्ट चार्ट बॉक्स का विंडो मिलता है, चैटिंग कर पाते हो आप, चार्ट बॉक्स मिलता है ना व्हाट्सएप या फिर कोई भी चार्ट का, फेसबुक चार्ट हो या कोई भी चार्ट हो या फिर कोई पॉपअप हो, ओके, तो उसके लिए हम ये फिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, कॉपी इसको देता हूँ यहाँ पे, पेस्ट, सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो विड्थ है कंटेनर की वो बढ़ा देता हूँ, सॉरी विड्थ नहीं, हाइट बढ़ा देता हूँ, हाइट मैं दे देता हूँ सपोज 5000 पिक्सल, 5000 पिक्सल मैं दे दें, ओके, 5000 पिक्सल्स हमने यहाँ पे दे दिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 3000 से यहाँ पे बेस्ट है, ओके, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका अभी जो पेरेंट ड्यू है उसका कलर आपको दिख रहा है, यानी इतना आपका पेरेंट ड्यू दिख रहा है, बट ड्यू नंबर थ्री को देखो वो हिल रहा है क्या उसके पोजिशन से, जैसे बाकी के ड्यू जो है आपके मुंह हो रहे ऊपर की तरफ, ड्यू 1, 2 और 4, देखो मैं जब भी जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो उसके पोजीशंस पे वो फिक्स है, दिख रहा है क्या, यस सर, यस, ओके, तो ये फिक्स्ड हो गया, तो इसका आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इसको मैं राइट साइड में ले लेता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट, और इसकी जगह और यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज इसको कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राइट सपोज 10 पिक्सल राइट, और बॉटम से भी 10 पिक्सल ले ले स्पेस, ठीक है, सेव, तो देखो अभी देख रहा है कि आपको नीचे ड्यू 3 कहाँ पे दिख रहा है, देखो, ओके, तो अगर आप कोई किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कहीं पे ना कहीं पे ये एग्जांपल मिलेगा ही मिलेगा कि वहां पे फिक्स्ड पोजीशंस पे कुछ कंटेंट्स रहते हैं,
ठीक है, जैसे कि हम IRCTC पे जाते हैं और यहाँ पे भी आपको एक विंडो मिलेगी। भी नाव बार क्यों हेडर भी फिक्स रहता है ना कभी कभी। हाँ वो भी रहता है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, दीक्षा 2.0 आर्क्स डिस्का दीक्षा जो है दिख रहा है नीचे। ओके यस सर। एक मिनट में इसको हाईलाइट करता हूँ। ये देखो ये जो पोर्शन है ये ऐसा फिक्स है। ओके अगर आप स्क्रॉल करोगे पूरे पेज को तो वो क्या रहेगा, उसी पोजीशंस पे रहेगा, फिक्स रहेगा। देखो हिल रहा है क्या, वो उसी पोजीशंस पे क्या हो, फिक्स है। ओके तो ऐसा आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओके या फिर चैटिंग विंडो अगर होगी आपकी, चैट बॉक्स, तो वो भी आप ऐसे दिखा सकते हो, पोजीशन उसके फिक्स कर सकते हो। ठीक है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है पोजीशन फिक्स। ठीक है तो ये हो गया आपका पोजीशन। ओके चार तरीके के पोजीशन है हमारे पास। ये दोनों को ट्राई कर पाना करना है इसके साथ। ओके और ये अलग है आपका। ठीक है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ड्यू का ड्यू आपको कैसे बनाना है, हो गए सर। ठीक इसका तो हो गया। देन ऊपर का ले लो कंटेनर कैसे बनाना है उसका, सेस इसका कर ले। दिया यस सर। ठीक है। ओके तो पोजीशंस के बाद हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेक्सी ब्लॉक्स। ओके जो वन डायमेंशनल लेआउट में हम क्या करेंगे, कॉलम्स और रो में हमारे बॉक्सेस एडजस्ट करेंगे। ओके अलाइन करेंगे तो देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे मैं कुछ इसी कंटेनर को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इसके नीचे एक कंटेनर तो है गाइस का। देन हर एक बॉक्स को आईडी मिलता हूँ। आईडी की हमें जरूरत तो नहीं है। फिफ्थ
6, और इसको मैं दे देता हूँ बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। ओके, 6 बॉक्स हमने यहाँ पे लिए, ठीक है। एक ड्यू है मेरा, जिसमें मैंने 6 कंटेनर, मीन्स 6 ड्यू लिए हैं एक कंटेनर के अंदर, 6 ड्यू लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे हम फिर से इसको कंटेनर दे देते हैं, एक कंटेनर बनाएंगे हम, और बॉक्स को भी हम बना लेते हैं, ओके। और उस कंटेनर में हम फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं, बॉक्स जी कैसा है, क्लासेस डॉट बॉक्स, ओके। फिर इस बॉक्स को हम कुछ दे देते हैं, सपोज बैकग्राउंड, टोमेटो, टू पिक्सल सॉलिड, 9 ग्रीन, 6 ठीक है, 6 बॉक्सेस है ना। तो इसको भी मैं हाइट तो वेट से दे देता हूँ, 200 पिक्सल हाइट, 200 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मार्जिन, सर मार्जिन स्पेलिंग, मार्जिन पैडिंग सपोज 5 पिक्सल रहेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने 6 बॉक्सेस बनाए, ठीक है, 6 बॉक्सेस हमारे यहाँ पे बंद हुए, ठीक है। बॉक्स को हमने स्टाइल दे दिया, ओके। अभी हम कंटेनर को देंगे, कंटेनर लिखेंगे, कंटेनर, इसमें हम फ्लेक्स ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो पहले इस कंटेनर को भी हम कुछ हाइट वर्थ कुछ दे देंगे, बॉर्डर दे देंगे, ओके। देन देखते हैं आगे, कंटेनर कंटेनर कर्ली ब्रेसेस, ओके। तो इसको भी मैं कुछ हाइट दे देता हूँ, सपोज छह सौ पिक्सल, 600, देन जो विड्थ है, ठीक है। ओके, उसके बाद बॉर्डर हम देते हैं यहाँ पे बॉर्डर, ओके। इसको भी हम एक लाइन बॉर्डर दे देते हैं, जैसे हमने ऊपर दिया था। और यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज इसको कलर जो है वो ब्लैक दिखे, ठीक है, ब्लैक, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे देखो, ये जो मेरा कंटेनर है उसका हाइट दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड में आपको ये दिख रहा है उसका, एक मिनट, सर यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ब्लैक कलर का बॉक्स, उसके जी अंदर हमें इसको दिखाना है, ठीक है, इस बॉक्सेस को हमें दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इसको इसका टाइप जो है पहले फ्लेक्स करूंगा, तो यहाँ पे अभी डिस्प्ले फ्लेक्स में यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, फ्लेक्स ब्लॉक्स बनाने के लिए हमें कहना होता है।
डिस्प्ले फ्लेक्स, हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे उसको कि कंटेनर कैसा है, एज अ फ्लेक्स बॉक्स है मेरा। ओके रिफ्रेश, तो देखो क्या हुआ, ओके तो फ्लेक्स बॉक्स मैंने बना दिया इसको, देन इसका इसका विड्थ पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ओके आपको यहाँ पे 6 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमने फ्लेक्स बना दिया इसको, ओके एक कंटेनर बना दिया, जो हमारा जो कंटेनर था उसको क्या कर दिया, फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, ओके। अभी इसके जो प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स की, वो हम इस्तेमाल करेंगे, अलाइंस करेंगे। तो अगर रो में अगर आपको इसको दिखाना है, यानी डायरेक्शन, इस फ्लेक्स का डायरेक्शन आपको क्या देना है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अभी फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन, ओके डायरेक्शन कैसा हो इसका, ओके। तो रो हो, ठीक है, जो डिफॉल्ट रहता है आपका, ओके से। तो देखो रो में है क्या, ये डिफॉल्ट है आपका रो में, ओके। देन यहाँ पे आप इसको कॉलम भी दे सकते हैं, ओके। देन हम यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टीज का देंगे अभी फ्लेक्स का, फ्लेक्स बॉक्स हमने यहाँ पे लिया, इसको डायरेक्शन कॉपी, वो बाय डिफॉल्ट है, अभी हम इसको करते हैं कॉलम, ओके। सेम कॉलम सेम, तो देखो ये अभी ना एक रो में आ जाएगा, सॉरी एक कॉलम में आ जाएगा, आ गया। देखो यस छह के छह बॉक्स पहले रो में हमें दिख रहे थे, अभी हमें कॉलम के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है, कॉलम के अंदर ये हमें दिख रहा है, ओके। देन यही पे अगर आपको फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, ओके अगर आप रिवर्स ऑर्डर में भी इसको दिखाना चाहते हो तो रिवर्स ऑर्डर में भी आप इसको दिखा सकते हो। सेव, इसके लिए मुझे रो देखो क्या आ रहा है, 6 बॉक्स, छठा बॉक्स पहले आ रहा है और फर्स्ट बॉक्स कब आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है क्या, ओके। यस वैसे ही आप कॉलम्स को भी दिखा सकते हो, ओके कॉलम्स को भी आप रिवर्स डायरेक्शन में दिखा सकते हो, कॉपी ओके। यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉलम, सेव, रिफ्रेश, बॉक्स नंबर 6 जो है सबसे पहले दिख रहा है और बॉक्स नंबर 1 सबसे लास्ट में आ रहा है, ओके रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, ओके। तो इस बॉक्सेस के डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये तो हो गया बॉक्स का, ओके। इसको मैं बताऊँ सेव, ओके तो अभी यहाँ पे इसके बाद हम देते हैं इसको रो को अनेबल रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी रैप हम इसको करते हैं, ओके रैपिंग पता है अभी आपको, जैसे हमने टेक्स रैप किया था नीचे लाइन पे आता है वो, तो फ्लेक्स रैप भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, रैप कोलन रैप, ओके। इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो बॉक्सेस है वो रैप हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो देखो रैप हो रहा है क्या, देखो मैं अगर इसका साइज बढ़ा रहा हूँ तो रैप हो रहा है, नीचे वो एडजस्ट कर रहा है उसको, ठीक है। तो इसे ये रैप हो रहा है अभी, क्योंकि हमने रैप प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन में है टेक्स्ट लिखूँ, कहाँ पे गया, ये देखो वर्ड रैप दिख रहा है, तो
वो कंटिन्यू दिखे या नीचे दिखे, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इस फ्लेक्स बॉक्स को, इस कंटेनर में जो भी आइटम मीन्स जो भी बॉक्स है उनको हमने क्या किया, जो बॉक्स है उनको रैप कर दिया कि रैप हो जाए। अगर एक लाइन में नहीं दिख रहे हैं तो नीचे के लाइन में उसको दिखाओ। ओके, रैप प्रॉपर्टी हमने इसको इस्तेमाल कर ली। इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज है इसके तो वो भी हम देखते हैं। ओके, फ्लेक्स बॉक्स के लिए ठीक है, जैसे हमने रैप देखा तो वैसे हम इसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आता हूँ। ओके, अगर आप इसको सेंटर में एडजस्ट करना चाहते हो बॉक्सेस को तो जस्टिफाई यूज कर सकते हो, जस्टिफाई -n कंटेंट। ओके, कंटेंट देन कोलन कोलन सेंटर से, तो देखो रिफ्रेश किया तो देखो सेंटर में आ गया क्या सारा का सारा कंटेंट। ओके, डिव के अंदर यानी मेरे कंटेनर के अंदर के जो भी आइटम है, जो भी बॉक्सेस है, वो सारा का सारा सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर आपको ये हो गया सेंटर, वैसे ही इसके भी कुछ चार प्रॉपर्टीज है तो वो भी हम देखते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस लाइन को कॉपी। ठीक है, अगर मुझे क्या चाहिए, स्पेस बिटवीन चाहिए, उनके बीच में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, बिटवीन बॉक्सेस, बॉक्सेस के अंदर स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेंटर की जगह दूंगा स्पेस हाइफन बिटवीन। ओके, हाइफन बिटवीन सिंपल, सेव रिफ्रेश। देखो अभी क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट एंड राइट साइड में जो आपका स्पेस था वहां पे उसने स्पेस ना छोड़ के उसने क्या किया, उनके बीच में उसने स्पेस एडजस्ट कर लिया। छह बॉक्सेस के अंदर उसने क्या किया, स्पेस को एडजस्ट किया है, दिख रहा है? ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए कि देखो लेफ्ट एंड राइट में तो स्पेस छूटा नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, जो भी स्पेस छूट रहा है वो कैसा हो, इक्वली हो, कैसा हो, इक्वली। तो इक्वली भी मैं स्पेस छोड़ सकता हूँ। तो इतना कॉपी किया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इवन इवन। ठीक है, सेव, देखो। ओके, अभी आपको देखा दिखा क्या, लेफ्ट एंड राइट साइड से भी उसका स्पेस छूटा है। ऑब्जर्व किया क्या आपने, लेफ्ट सर एंड राइट साइड से भी उसका स्पेस छूटा है। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ पे कम करते हैं, और स्पेस और लास्ट प्रॉपर्टी इसका अराउंड वो भी हम देखते हैं। अगर आपको स्पेस इक्वली बिफोर स्टार्टिंग और एंडिंग बॉक्स अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे दे देंगे अराउंड। ओके, तो अराउंड हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखो थोड़ा सा और आपको इक्वली दिखा क्या है, यहाँ पे थोड़े से बॉक्सेस में और स्पेस का एडजस्ट हुआ क्या, दिखा क्या, लेफ्ट एंड राइट की तरफ सर मूव हुए सब लोग। ओके ओके, तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, स्पेस। ओके, अभी कब से आप, हम लोग देख रहे थे कि वर्टिकली आपको कैसे लाना है, वर्टिकल सेंटर में आपको कैसे दिखाना है, ये चीज आपको पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्टिकल सेंटर में दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन अलाइन हाइफन आइटम। ओके, आइटम्स, और यहाँ पे वैल्यू देंगे सेंटर।
सेंटर, सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखो क्या हुआ, मेरा जो बॉक्स है उसके सेंटर में आ गया क्या, वर्टिकली सेंटर मैंने किया है, हॉरिजेंटली नहीं, अभी अभी क्या किया है, वर्टिकली मैंने सेंटर किया है, तो इससे आपका क्या हो रहा था, वर्टिकली सेंटर आ रहा था, ठीक है। तो देखो अभी पूरा सेंटर हो गया वर्टिकली और हॉरिजेंटली, हुआ क्या, यस ठीक सर, है। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल सेंटर, ओके। देन अगर आपको फ्लेक्स टॉप की तरफ चाहिए, ओके, स्टार्ट की तरफ, ओके, तो यहाँ पे आप इसको दूसरा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, इसको मैं कमेंट करता हूँ, स्टार्ट, तो ये जो अलाइनमेंट आइटम है इसको मैं दूंगा अभी फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, ओके स्टार्ट, सेव किया मैंने इसको, तो अभी ये टॉप साइड में आपका चले जाएगा, देखो गया क्या टॉप साइड, यस सर। ठीक है। वैसे ही अगर आपको नीचे बॉटम साइड में चाहिए तो यहाँ पे आप बॉटम दे दीजिए, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉटम कर लेते हैं हम यहाँ पे, ओके इसको कट करता हूँ, नीचे लगा, सेव किया और इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको सेव नहीं किया क्या मैंने, सेमी कोलन सेव, स्टार्ट है ना, बटन नहीं हुआ, एंड हुआ यहाँ पे, सेव। देखो बॉटम की तरफ ये आ गया, ओके। तो देखो ड्यू में भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको कहाँ पे दिखाना है कोई कंटेंट, तो अभी आप एडजस्ट कर सकते हो, जस्टिफाई है बॉक्सेस है, आपको बॉक्सेस कैसे चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, देन उसको आपको कैसे दिखाना है, कैसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपको एडजस्ट करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया सर। ठीक है। ठीक है देन उसके बाद हम देखते हैं क्या, बॉक्स, बॉक्स यहाँ से, लिया ठीक है। इसके बाद इस नीचे वाला, नीचे वाला बाकी है ना रेफरेंस, ये वाला सर। लिया, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया, इसको कमेंट मैं कर देता हूँ,
ओके, तो जैसे हमने बॉक्स बनाया था वैसे आप कुछ भी कंटेंट्स वहाँ पे दिखा सकते हो, बॉक्सेस दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट इसका देखते हैं, मीडिया क्वेरी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया क्वेरी। सेव करता हूँ इसको, देखता हूँ उसमें कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया क्वेरी। ओके, ये बेस्ड ऑन है आपके स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से, ये क्या करता है, ड्यू को आपको डिस्प्ले कराती है। क्या करती है, ड्यू को आपको डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो ड्यू है कंटेनर, ओके कंटेनर है, तो इसकी जरूरत नहीं मुझे, ये चार ड्यू भी इनफ रहेंगे मेरे लिए। चार, ठीक है सेव। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी ये हमारा सेकंड था। ओके, तो अभी हम देखते हैं मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी के लिए ओके, जो मीडिया क्वेरी है वो क्या करता है, आपके जो भी कोई ड्यू है आपको डिस्प्ले कराना है, यानी कि अगर आपका मोबाइल रहे तो उस पर वो डिस्प्ले हो, अगर आपका टैबलेट रहे तो उस पर कुछ अलग डिस्प्ले हो, लैपटॉप रहे तो उस पर कुछ अलग हो, और डेस्कटॉप रहे या फिर 32 इंच का अगर डिस्प्ले है तो उसके ऊपर कुछ अलग डिस्प्ले हो। ओके, ऐसा रेजोल्यूशंस पे आपको कुछ दिखाना है आपके रेजोल्यूशंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज फर्स्ट बॉक्स, सपोज हम ये ले लेते हैं फॉर मोबाइल के लिए, मोबाइल। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये मोबाइल के लिए हमने लिया, और ये मैं ले लेता हूँ सपोज टैबलेट रहेगा तो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज लैपटॉप का स्क्रीन रहेगा तो। ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज फॉर 32 इंच या फिर 24 इंच डिस्प्ले। ओके, अलग अलग रेजोल्यूशंस के हिसाब से ओके हम क्या करेंगे, इन सभी को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मीडिया क्वेरी। ठीक है, तो पहले तो हम बॉक्सेस को बना लेंगे। ठीक है, तो जो आईडी है यहाँ पे, इसको आईडी भी मुझे देना पड़ेगा, बॉक्स। बॉक्स वन, ओके, क्योंकि बॉक्स में इसको अप्लाई करूंगा और हर एक को डिस्प्ले करूंगा मैं आईडी से। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आईडी भी ले रहा हूँ। अभी टू, थ्री, सेव। ओके, ये चार हमने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अभी सीएसएस में हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले तो हम बॉक्स को बना लेंगे, तो हम बॉक्स को बना लेंगे, तो यहाँ पे कॉपी, तो पहले डॉट बॉक्स कैसा हो, तो जो उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड पर टोमेटो कलर का हो। ठीक है, फॉन्ट साइज जो हो, फॉन्ट साइज आपकी हो 72 पिक्सल सपोज टेक्स्ट की, देन उसके अंदर आपका टेक्स्ट जो रहे वो सेंटर में रहे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो सेंटर में हो। उसके बाद उसका कलर जो है वो व्हाइट कलर में रहे, कलर जो है व्हाइट कलर में रहे। ठीक है, बस सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश।
दिख रहा है? ओके, सर। टोमेटो कलर क्यों अप्लाई नहीं हुआ इसको? वो छोड़ दिया मैंने। ओके, यहाँ पे देखो चारों के चारों डिब हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या, मुझे क्या करना है कि मैं अगर इसका रेजोल्यूशन कम करता हूँ, ओके, तो जैसे ही मैं इसको रेजोल्यूशन को एडजस्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे टॉप राइट साइड में आपको रेजोल्यूशन दिख रहा है क्या? 950 पिक्सल कम होते जा रहा है क्या? दिख रहा है क्या? 750, 950 बाय 750 दिख रहा है क्या ऊपर सर मेरे आरो के बाजू में? हाँ, तो उसके ऊपर हम इसको दिखाएंगे, दिखाने वाले हैं अभी। ओके, कि इतना रहे तो खाली मोबाइल वाला दिखाओ, 300 पिक्सल का रहे तो मोबाइल वाला दिखाओ, देन 500 रहे तो आप टैबलेट का दिखाओ, 800 रहे तो लैपटॉप वाला दिखाओ, और पूरा फुल रहे, 800 के ऊपर रहे तो 32 इंच वाला ये जो ड्यू है वो डिस्प्ले करो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अभी यूज करते हैं मीडिया क्वेरी। ओके, तो मीडिया क्वेरी ऐसे हमें यूज करना है, @ मीडिया। ओके, @ मीडिया हमें लिखना है, और इसके पैरेंथेसिस में आपको देना है मैक्स। ओके, मैक्स विड्थ। ओके, मैक्स विड्थ। ओके, यानी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, तो 300 पिक्सल तक हो। ओके, मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल तक हो, तो आप दिखाओ, तो आप शो करो किसे, आईडी बॉक्स वन को। बॉक्स वन नहीं लिया ना, आईडी बॉक्स वन, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ठीक है, तो बॉक्स वन को आप दिखाओ। ओके, और उसके साथ उसका कलर दिखाओ। तो यहाँ पे इनको पहले मैं हाइड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे सब कुछ हमें विजिबल है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये बाद में लगेगा मुझे कट। इस सबको मैं हाइड कर देता हूँ। डिस्प्ले डिस्प्ले कोलन नन सेव। तो सारे के सारे डूज जो है मेरे, ये 1 2 3 4 सबके सब हाइड हो जाएंगे, हुए क्या? अच्छा हाइड हो गए, देन हम फिर से मीडिया क्वेरी लिखते हैं। देन मीडिया क्वेरी में हम लिख रहे थे कि अगर मेरा क्या हो, अगर मेरा 300 पिक्सल तक का रेजोल्यूशन हो, तो ब्लॉक डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक में आ जाए, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड जो कलर है वो रहे रेड, ठीक है, सेव। रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो दिख रहा है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं नहीं दिख रहा है। देन हम इसको इंस्पेक्ट, यहाँ पे इसका जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन का वो चेंज करते हैं, यहाँ तक कितना हुआ, 700, 500, 400, 300। ओके, इसको कम करते हैं क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हमने क्या रखा है, 300। ओके, 322, 320, 305, 302। देखो आया क्या, जैसे ही मेरे 300 के नीचे गया दिख रहा है? सर ओके, फर्स्ट बॉक्स फॉर मोबाइल। ओके, यानी आपका अगर मोबाइल का स्क्रीन रहे तो 300, सपोज मैंने 300 दिया है, आप जो चाहिए आप दे सकते हो, कि 300 तक मेरा फर्स्ट ड्यू जो है विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे दूसरा कोई दिख रहा है क्या कुछ? नहीं। ओके, तो हम दूसरे को भी अभी एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लेके जाता हूँ। ओके, देन इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे यूज करता हूँ मीडिया को, मीडिया। ओके, और इसके अंदर फिर से मैं लिखता हूँ, अभी यहाँ पे मैं दूंगा मिनिमम कितना हो और मैक्सिमम कितना हो। तो मीन विड्थ जो है कोलन 300 पिक्सल रहे। ओके, एंड मैक्स जो विड्थ है सर
वो 500 रहे, ठीक है, जितना रहे 500 पिक्सल रहे, ठीक है। अगर ऐसा है, इसके बीच में अगर है मीडिया का स्क्रीन, ओके, यानी किसी भी डिवाइस का स्क्रीन अगर ऐसा है कि 300 और 500 के बिटवीन है, ओके, इनके अंदर है, तो क्या करें, बॉक्स नंबर टू दिखाओ, बॉक्स टू, देन इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिया हमने, और यहाँ पे लिया डिस्प्ले, यही दोनों फील्ड्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कॉपी पेस्ट, ओके, और यहाँ पे रेड की जगह में इसको देता हूँ सपोज ग्रीन, सेव, ओके। चलो चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश किया, अभी हम देखते हैं कि 500 के नीचे मेरे पास दूसरा ड्यू मेरा विजिबल हो रहा है या नहीं, ओके, कितना हुआ, 1800, 600, 550, ठीक है, देखो हुआ क्या, यस सर, ओके। तो यहाँ पे आपका टैबलेट दिख रहा है, और जैसे ही आप 300 के नीचे चले जाओगे तो मोबाइल का जो ड्यू है वो आ जाएगा, देखो आया, यस, डिपेंड ऑन रेजोल्यूशन, आपके स्क्रीन का रेजोल्यूशन के हिसाब से हम ड्यू को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, मीडिया क्वेरी के इस्तेमाल से। तो ये तो हो गया हमारा इसके लिए, ओके। फिर से हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसी का कॉपी कर लेता हूँ, ओके, देन यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि कम से कम 500 पिक्सल हो और मैक्सिमम 800 पिक्सल हो, तो दिखाओ बॉक्स थ्री, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज ब्लू, ठीक है, 8 GB, ठीक है, ब्लू हो गया। चलो रिफ्रेश किया, इसको चेक करते हैं कितना, 800 पिक्सल के नीचे आ गया, 850, 800, देखो ब्लू आया क्या लैपटॉप, ठीक है। देन 500 के नीचे अगर हम जाते हैं तो टैबलेट, और 300 के नीचे अगर हम जाते हैं तो मोबाइल, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। देन अभी लास्ट वाला ड्यू हम दिखाते हैं कि अगर आपका जो भी स्क्रीन है, इसी को हम यहाँ करेंगे, तो इसका मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा, ओके, मिनिमम 800 रहेगा, ओके, कि 800 के ऊपर आपको इसको दिखाना है, मैक्सिमम कितना भी हो, ब्लॉक नंबर 4, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ कलर FA3 से, रिफ्रेश, देखो दिख रहा है, यस सर, दिस इज फॉर, अभी ये आपके ऊपर है कि आपको कितने डिस्प्ले के लिए इसको चाहिए, 24 इंच का डिस्प्ले हो, 32 इंच का हो, या फिर कोई भी हो, ओके, कितने भी डिस्प्ले हो उसको फोर्थ नंबर का ड्यू दिखेगा, ओके, दिख रहा है हमारे रेजोल्यूशन के हिसाब से हमारे ड्यू रेंडर हो रहे हैं यहाँ पे, यस सर, ठीक है, समझ में आया, यस सर, इसका स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट सर। एक क्वेश्चन, बोलो सर, ये हमने ड्यू में अप्लाई किया है, बट मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट बॉक्स फॉर मोबाइल, ऐसे हमने टेक्स्ट लिया है, तो इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर इमेज ऐड किया तो वो इमेज के लिए भी सेम वर्क करेगा या फिर अभी इस ड्यू में आप इमेज भी दिखाओगे तो वो विजिबल हो जाएगा, यहाँ पे आप कोई फॉर्म भी दिखाते हो वो भी विजिबल हो जाएगा, डिपेंड है कि आपको दिखाना क्या है उसके अंदर, मैंने तो अभी सिंपल टेक्स्ट लिया है, ओके, बट जो इमेज स्कैटर्ड होती है सर, तो वो भी इससे रिजोल्व हो जाएगा या फिर उसके लिए अलग को, उसका विड्थ विड्थ फिक्स रहेगा इस ड्यू के हिसाब से, ओके, इसके अंदर ही दिखना चाहिए, आप इमेज भी दे सकते हो यहाँ पे, ओके, ट्राई करना, ठीक है, ठीक है, ले आएगा इसका स्क्रीनशॉट, यस सर, ठीक है, उसके बाद आप ले लो ये वाला, पहले तो बॉक्स बनाओ उस सबको, और ये हमने यूज किया है टू हाइड ऑल ड्यूज,
सब डिव्स को हाइड करने के लिए हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन की है और उनको यहाँ पे ब्लॉक्स में दिखाया है, ब्लॉक में कन्वर्ट करके दिखाया है, ठीक है। यानी यहाँ ये जो प्रॉपर्टी था उसको हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। हुआ यस सर। ठीक है, नीचे वाला भी ले लो। लिया इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यही पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। ओके, आगे का हम नेक्स्ट डे कब है अपना, मंडे को। ओके, नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे को रहेगा। सर एक एचटीएमएल वाला फिर से आप बता सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट मेरा रह गया। एक मिनट, हाँ ये लगे पूरा एचटीएमएल है इसके अंदर।